स्त्री टू की सक्सेस से भी बड़ा सवाल ये बन चुका है कि सरकटे के वंशज के पास लावे से भरा कलश कौन लाया। कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ, कौन बे? हाँ, टेंशन मत लो, उसका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने थैनोस ने ये सारा मास्टर प्लान बनाया था, जिसका कनेक्शन एक्चुअली में पार्ट वन से जुड़ा हुआ है। और लगे हाथ हम उसके फ्यूचर प्लान पर भी बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में तुम्हें सरकटे के वंशज के कैरेक्टर का पूरा एनालिसिस तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे उसको लेकर सारे डाउट भी क्लियर होंगे। तो भाई लोग, जैसा मैंने पिछली वीडियो में तुमसे प्रॉमिस किया था कि सरकटे के वंशज को लेकर एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, तो मैंने अपना वादा निभाया है। तो अब तुम भी अपना वादा निभाओ, सब्सक्राइब करो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? खैर, प्रमोशन को साइड में रखकर मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। आगे हम अक्षय कुमार के इस कैरेक्टर को थैनोस ही बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ है। तो स्त्री टू की स्टोरी बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई है, जहां इन्होंने दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को स्त्री टू में डालकर अपनी सारी फिल्मों को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन थैनोस ने ही चंदेरी पुराण के फटे पन्ने चुराए थे, ये दिखा के उन्होंने इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि हमारा थैनोस भी एक समय पर चंदेरी में रहा करता था, वो भी तब जब विक्की और स्त्री की बेटी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। अब बेटे, इसे ही तो कहते हैं एक तीर से दो निशाने। तो चलो थैनोस के सीक्रेट प्लान पर आती है, जिसे मूवी में ना बताकर भी मेकर्स ने हमें बता दिया है। तो थैनोस के दिमाग को देखते हुए ये बात तय है कि सरकटे और स्त्री के बारे में उसे पहले ही पता होगा, और वो सरकटे का वंशज है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि उसकी भी सोच बिल्कुल सरकटे जैसी है, तो डेफिनेटली वो चंदेरी में औरतों की आजादी से खुश नहीं होगा, और उसे भी चंदेरी को वापस पितृ सत्ता बनाने की चुल होगी, इसलिए उसने रास्ते ढूंढने स्टार्ट कर दिए होंगे। इसके बाद उसे रुद्रा के पुस्तक भंडार में चंदेरी पुराण मिला होगा, जिसे पढ़ने के बाद उसे स्त्री और सरकटे के कुछ शॉकिंग राज पता चले होंगे। अब तुमने अगर ध्यान दिया है तो थैनोस ने रुद्रा को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें पूरे पन्ने नहीं भेजे थे। पहली पार्ट की तरह ही रुद्रा भैया पढ़ते पढ़ते चंदेरी की रिवेंज स्टोरी से सीधा कामुकता पर पहुंच गए थे, और जो पन्ने उसने रुद्रा को नहीं भेजे उसमें सरकटे को मारने के अलावा कुछ और भी राज की बातें थी। खैर, वो क्या थे उसे हम थोड़ी ही देर में जानेंगे, फिलहाल स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि थैनोस ने पार्ट वन में वो पन्ने क्यों चुराए थे। अब जिस तरह से वो इन लोगों को बताता है, उससे ऐसा लगता है कि वो सरकटे से नफरत करता है, और सरकटे की वजह से उसकी बदनामी ना हो इसकी वजह से उसने वो पन्ने चुराए थे। लेकिन एक्चुअली में हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा था। उसे बदनामी का डर तो तब होता जब वो चंदेरी में रहता, लेकिन वो तो चंदेरी में है ही नहीं। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन था उसका वो प्लान, जो उसने चंदेरी के वो फटे हुए पन्नों में कुछ सीक्रेट जानने के बाद बनाया था। उस फटे पन्नों में कुछ अहम राज थे। पहला तो सरकटे वो स्त्री का काला इतिहास, जो उसने चिट्ठी के जरिए रुद्रा को भेज दिया था। दूसरा, सरकटे को कैसे मारा जा सकता है, जो थैनोस ने उन्हें पागल खाने में आने के बाद बता दिया था। तो जो उसने नहीं बताया था वो था सरकटे की पावर्स को उसके मारने के बाद उसका वंशज ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि स्त्री की चोटी को उसके वंशज धारण कर सकते हैं, और उसकी बेटी ने किया भी। एक और बात उसमें लिखी होगी, वो है चंदेरी के रक्षक की पावर्स और उसकी बैक स्टोरी कि आखिर कैसे अपना विक्की बाबू सरकटे और स्त्री से जुड़ा हुआ है, और आखिर क्यों विक्की ही चंदेरी का रक्षक है। तो ये सब जानने के बाद उसने अपना मास्टर प्लान बनाया, जिसके हिसाब से सब कुछ हुआ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई सिवाय मेरे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि वो लोटा उसके पास किसने लाया। पर टेंशन मत लो, बस थोड़ी देर रुको और तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो थैनोस ने अपने प्लान के मुताबिक पहले वो पन्ने चुराए, क्योंकि वो जानता था कि अगर विक्की और बाकी सबको ये पता चल जाता कि स्त्री के जाते ही वहाँ सरकटे तांडव करना शुरू कर देगा, तो विक्की उसकी चोटी कभी काटता ही नहीं, बल्कि वो स्त्री से निपटने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते। वैसे और भी कई सारे रीजन है, जैसे विक्की को अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाता तो विक्की अपनी पावर्स पर कंट्रोल करके और पावरफुल बन जाता, और आगे जाकर थैनोस के रास्ते में जरूर आता। लेकिन वही पे वो विक्की को मार भी नहीं सकता था, क्योंकि विक्की अकेला ऐसा इंसान था जो स्त्री और सरकटे दोनों को मिटा सकता था या फिर मुक्ति दे सकता था, इसलिए उसने पन्ने चुनाए क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन था।
उसके बाद उसने अपने प्लान के मुताबिक विकी को स्त्री की चोटी काटने दी ताकि स्त्री चंदेरी छोड़ के चली जाए और सरकटे चंदेरी आ जाए। जब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था तो एक चीज गलत हुई। सरकटे ने इतनी सफाई से एक साल में सिर्फ एक या फिर दो ही लड़कियां उठाए कि चंदेरी के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि कोई मॉन्स्टर उनकी लड़कियां उठा रहा था या फिर वाकई में वो बड़े शहरों में जाकर बस रही थी। और सरकटे इतना समझदार होगा इसकी उम्मीद अपने थैनोस को नहीं थी, और वैसे भी एक ताकतवर मॉन्स्टर से तुम और क्या ही उम्मीद कर सकते हो। खैर, जब उसका प्लान ए ठीक से वर्क नहीं किया तो उसने अपना प्लान बी स्टार्ट कर दिया होगा, जहां उसने खुद ही रुद्रा को चिट्ठी भेज के चंदेरी के सबको ये बता दिया कि ये सब सरकटे कर रहा है। अगर तुम ध्यान दोगे तो सरकटे के आने के कुछ साल बाद उसने ये चिट्ठी भेजी थी, यानी वो वेट कर रहा था कि ये लोग खुद ही सरकटे को पहचान कर मार दे और दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली सारा मक्खन खा ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसने ये चिट्ठी भेजी और अपना एड्रेस इसीलिए डाला क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि सब कुछ खत्म होने के बाद चंदिर से कोई ना कोई उस गुमनाम इंसान को ढूंढने जरूर आएगा जिसने ये पन्ने चुराए थे, ताकि पता कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने बड़े ही स्मार्टली खुद ही अपने आप को रिवील कर दिया, लेकिन एक पागल बन के, ताकि उसका काम भी हो जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। क्योंकि कभी कभी जब चीजें आपके सामने होती है तो आप उन्हें देख नहीं पाते, और हुआ भी वैसा ही। विक्की और चंदेरी वाले बाकी सब अभी यही सोचते हैं कि वो एक पागल है, और यहाँ अपना थैनोस फुल्ली पावरफुल बन चुका है। वैसे ये सब तो ठीक है, पर अब उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा? अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है तो डोंट वरी, आई हैव द आंसर। लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि ये लोटे का माजरा क्या है। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो लावे का लोटा है वो मुंजा ने थैनोस के पास नहीं लाया, क्योंकि थैनोस ने जब ये प्लान बनाया था, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पार्ट वन में उसके पन्ने चुराने के बाद ही उसने बनाया था, तो उसी वक्त उसने ये भी प्लान कर लिया था कि उसके लिए सरकटी की पावर्स कलश में भर के कौन लाएगा। और उस वक्त अपना मुंजा जो है वो चतुकवाड़ी के पेड़ में कैद था, तो उनके बीच किसी भी तरह की डील हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, जितना मैंने मुंजा को समझा है, वो कभी भी किसी का गुलाम बनके रहना पसंद नहीं करेगा, और करे भी क्यों, वो ब्रह्म रक्षक है भाई। अगर हम क्रोनोलॉजी समझे तो MSU यानी मैड डॉग सुपर नेचुरल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से मुंजा दो या फिर तीन नंबर पर ही आएगा, और वैसे भी अपना थैनोस किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा नहीं, इसलिए मुंजा का वो कलश लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक कि मेकर स्त्री की चोटी जैसा कोई कांड ना कर दे। लेकिन फिर वो गद्दार कौन है? देखो, मुझे तीन लोगों पर शक है, जना, रुद्रा और अपनी क्षमा, अपनी नहीं रुद्रा भैया की क्षमा। साला मैं जज्बात में बह गया था। ओके, तो जना इसीलिए क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी हो उसी को पेलता है, जैसे कि पहले उसे स्त्री ने जकड़ा, फिर भेड़िया ने पकड़ा और फिर सरकटे ने उसे ऊपर लटकाया। अब हमें ये तो पता है कि जना गद्दारी नहीं कर सकता, तो हर बार की तरह एक ही चांस बचता है कि थैनोस ने उसे अपने वश में किया होगा। वैसे भी वो जना से काफी चुम्मा चाटी कर रहा था, तुमने देखा था ना। कहे दूसरा, रुद्रा भैया पे मेरे को इसीलिए डाउट है क्योंकि ये अकेला ऐसा बंदा है जिसको स्त्री के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। ऊपर से चंदेरी पुराण भी इसी के पास था। और हाँ, तुम लोग रुद्रा भैया की भोली शक्ल पे मत जाओ, ये बंदा कब भोले से ब्रूटल विलन बन जाएगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि रुद्रा भैया पहले से अपने थैनोस से मिले हो और जो कुछ भी थैनोस के प्लान के हिसाब से हुआ उसमें सीक्रेटली रुद्रा भैया का हाथ था। लेकिन इन दोनों की टाइमिंग थैनोस से मैच नहीं करती, जना की तो बिल्कुल नहीं। जब थैनोस प्लान बना रहा था तब अपना जनार्दन ये तक नहीं जानता था कि स्त्री नाम की चिड़िया होती क्या है। पर क्षमा जो है वो इस चीज के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट कैंडिडेट है। जहाँ पर पहले तो मेरे को एक बात हजम नहीं हो रही है कि क्षमा रुद्रा के लिए जान देने को तैयार हो जाती है। हाँ, प्यार अंधा होता है, पर साला इतना भी अंधा नहीं होता। तो हो सकता है कि क्षमा जो है वो अपने थैनोस की माशुका हो और थैनोस ने ही क्षमा को उसके परवाने को यानी रुद्रा भैया को जाल में डालने के लिए कहा हो, ताकि समय आने पर उसका अच्छे से यूज कर सके। बताओ, क्षमा उनका काटने के लिए तैयार है और इधर अपने रुद्रा भैया ऐसे ही उसकी याद में शराब पीकर अपने लीवर की मां बहन कर रहे हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और जरा सोच के देखो, जना, रुद्रा और मुंजा तीनों बाहर थे, जिनके लिए सबकी नजरों से बच के अंदर जाकर लोटे में से लावा भरकर बिना किसी को देखे वहाँ भी जाना मुश्किल था। पर क्षमा जो है वो अंदर ही थी, और सरकटे के मरने के बाद सभी लोग उन औरतों को अकेला छोड़ के काफी देर तक बाहर थे। इतने समय में तो साला क्षमा लावे से बाटली भर लेती, लेकिन उसे तो बस लोटा भरना था, और इतनी भीड़ में वो आसानी से अपनी साड़ी में वो लावे का कलश छुपा के ला सकती थी। इसीलिए इसके काफी
ही ज्यादा चांस है कि वो कलश थैनोस के पास क्षमा ही लाई होगी। खैर तो अब थैनोस के पास टू प्रेजेंट को लेकर तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अभी भी उसका फ्यूचर बाकी है जहाँ आगे उसके कई सारे फ्यूचर प्लान्स होंगे और इस पावर को हासिल करने के पीछे उसका एक सॉलिड मकसद भी होगा। तो चलो उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो थैनोस के फ्यूचर प्लान्स काफी हद तक क्लियर है और उन्हें पूरा करने के लिए वो डेफिनेटली अपनी एक पावरफुल टीम बनाएगा जिसमें ऐसे भूत होंगे जो उसे अपने मकसद में कामयाबी देने की काबिलियत रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पर दादा सरकडे की टीम लेगा, यानी कि चंद्रभान की जो पंचायत थी जिसने चंद्रभान के साथ मिलकर स्त्री को मारा था और फिर स्त्री ने वापिस आकर उन सबकी मुंडियां काटकर उन्हें जमीन में 2 गज नीचे गाड़ा था। तो मेरे हिसाब से वो अब भी वहीं पर दफन होंगे जैसे सरकड़ा था। और अपने थैनोस के लिए ये अच्छा ऑप्शन इसलिए भी होगा क्योंकि वो सरकडे का वंशज है और उसके पास सरकडे की सारी पावर्स देखकर वो लोग उसी को अपना मुखिया मान लेंगे। लेकिन अपनी सेना बनाने के बाद वो करेगा क्या, यानी कि उसका मकसद क्या है? जैसे कि थैनोस का ब्रह्मांड की आबादी को संतुलित करना था। अब देखो यार, ये टोटली मेकर्स पर ही डिपेंड करता है, वो जैसे चाहे वैसे उसे मकसद दे सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले हैं, इसलिए उसको लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कुछ सजेशन जरूर दूंगा। प्लीज थैनोस के लिए एक ऐसा यूनिक मकसद चुनना जो उसके कैरेक्टर को एक वैल्यू प्रोवाइड करे ताकि वाकई में वो हाइप क्रिएट हो सके जो थैनोस को देखकर हुई थी। और हाँ, सरकटे का वही मकसद जिससे वो चंदेरी को फिर से पितृसत्ता बनाना चाहता था वो मत देना, बहुत छोटा फील होगा। और दुनिया के ऊपर राज करना, इसके बारे में तो सोचना भी मत, घिसा पिटा हो जाएगा। बाकी जो भी देना है दे सकते हो, लेकिन बस यूनिक और हटके होना चाहिए। उसे भाई लोग, अगर तुम्हारे पास थैनोस के लिए कोई नए और यूनिक मकसद का सजेशन है तो कमेंट में बताओ, क्या पता मेकर्स तक तुम्हारी बात पहुंच जाए। और हाँ, सरकटे के वंशज को लेकर जो थ्योरी मैंने तुम्हें अभी वीडियो में बताई वो गलत भी हो सकती है क्योंकि हमने बस हालात को देखकर अनुमान लगाया था, बाकी मेकर्स कब क्या चेंज कर दे ये तो वही जानते हैं। खैर तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की वीडियोस को लेकर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, चाहो तो देख सकते हो। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।